हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत में। फ्रेंड्स, एक नए प्लांट की केयर के साथ। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, और शेयर कीजिएगा मेरे वीडियोज़ को। और फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे ऑर्नामेंटल शो प्लांट्स पे, ऑर्नामेंटल प्लांट्स पे, फ्लावरिंग प्लांट पे वीडियोस बनाए हैं। अगर आप सभी को वो सारे वीडियोस देखने हैं फ्रेंड्स, तो यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं गार्डनिंग विद गीत, आपको मेरे सारे प्लांट वीडियोस मिल जाएंगे। और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरे वीडियोस को फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये हाइब्रिड हिबिस्कस है, इसकी कंप्लीट केयर बताऊंगी फ्रेंड्स। ये जो हिबिस्कस है, इसकी दो वैरायटीज़ आती हैं, एक देसी वैरायटीज़ और दूसरी वैरायटी जो है वो हाइब्रिड वैरायटी होती है फ्रेंड्स। तो हाइब्रिड वैरायटी वाली फ्रेंड्स दो कलर्स के आते हैं और वो गुच्छे में बड़े बड़े फूल वाले आते हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए, इसमें दो कलर जैसे डीप रेड और इसके साइड के जो पेटल हैं वो डीप ऑरेंज कलर के हैं फ्रेंड्स। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। देसी वाले फ्रेंड्स एक ही कलर में आते हैं और सिंगल पेटल में होते हैं, एक ही पंखुड़िया वाले होते हैं, जैसे कि ये हैं फ्रेंड्स। ये भी सिंगल पेटल का ही है लेकिन काफ़ी बड़े साइज़ का है और बहुत सारे प्यारे कलर्स में आता है, बहुत सारे कलर्स में आता है फ्रेंड्स। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो इस प्लांट में आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ्लावरिंग पा सकते हैं, मैं सीधे वो बताना शुरू करूँगी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो इस प्लांट की प्रूनिंग, आप फ्रेंड्स ये समर्स का प्लांट है तो आप इसकी प्रूनिंग कर दें मार्च एंड तक। तो आप इसकी प्रूनिंग किसी भी हाल में कर दें फ्रेंड्स, प्लांट की कटिंग कर दें, ब्रांचेस को छांट दें ताकि ये नई ग्रोथ कर सके। और फिर जितने ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगे उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग इस प्लांट में होगी। फिर दूसरा काम, आप फ्रेंड्स इसे वेल ड्रेन रखें, पानी जमने ना दें गमले में, और इसकी पॉटिंग मिक्स ऐसे बनाएं कि पानी इसमें देर तक ना रुके। चाहे तो कोको पीट मिला लें मिट्टी में, एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा रेत भी मिला सकते हैं, आप गोबर की खाद भी मिला सकते हैं। और वर्मी कंपोस्ट है तो ऑप्शनल है, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट कोई भी डाल सकते हैं आप फ्रेंड्स, तो दोनों ही चीज़ें अच्छी होगी। ये सारे पॉटिंग मिक्स बना लें, वेल ड्रेन रखें, पानी ज़्यादा ना डालें फ्रेंड्स, और सनलाइट में 7 से 8 घंटे इसे सनलाइट में रखें, और धूप की कड़ी धूप फ्रेंड्स दोपहर की 2-3 बजे की धूप से इसे बचा के रखें। और इसमें पेस्टिसाइड कीड़ों के लिए फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे होंगे इसके पत्तों को कीड़े ने खा लिया है, तो इस पर नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं महीने में एक बार इसे बचाने के लिए। घर के लिए पेस्टिसाइड भी मैंने बताया हुआ है, होममेड पेस्टिसाइड, तो डिटॉल हैंड वॉश या कोई भी हैंड वॉश है या डिश वॉश लिक्विड है आपके पास, तो आप उससे 4-5 बूंद 1 लीटर पानी में डाल के हर महीने इसके पत्तों पर स्प्रे कर सकते हैं फ्रेंड्स, पत्तों के चारों तरफ। और हमेशा पौधे को टिल्ट करके, तिरछा करके आप इस पर स्प्रे किया करें, जो भी फर्टिलाइज़र तो नहीं फ्रेंड्स, आप मेडिसिनल पेस्टिसाइड जो भी डाल रहे हैं, चाहे नीम ऑयल हो या फिर केमिकल ही हैंड वॉश जो है होममेड मैंने बताया है कि करोगे आप स्प्रे इस पर, तो इसे तिरछा करके करना वरना रूट्स में चले जाएंगे। तो वो जो लिक्विड है वो अगर रूट्स में चले गए तो प्लांट शॉक में चला जाता है और प्लांट मर जाता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे एक दो प्लांट इसी वजह से ख़राब हुए थे, तो मैं नहीं चाहती कि आपका प्लांट भी ख़राब हो फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं सारी जो भी फर्टिलाइज़र बताऊँगी आज होममेड बताऊँगी, केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं बताऊँगी। तो सबसे अच्छी गोबर की खाद होती है इसके लिए फ्रेंड्स। समर सीज़न में ये फ्लावरिंग करता है और जुलाई से लेके नवंबर दिसंबर तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है ये प्लांट। तो आप हर महीने उसी हिसाब से खाद डाला करें फ्रेंड्स, ज़्यादा फूल चाहिए तो खाद भी ज़्यादा देना होगा। तो फिर आप सबसे पहला ऑप्शन तो है फ्रेंड गोबर की खाद है, तो आप पानी में 4-5 दिन भिगो के रखें और उसके पानी को ही जब इसकी मिट्टी सूखे तब आप 15 दिन में ये डाल सकते हैं। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, घर में यूज़ करते हो आप नींबू के छिलके और संतरे के छिलके, खा के हम लोग फेंक देते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं, अच्छे होते हैं, लाभदायक होते हैं फ्रेंड्स, फ़ायदेमंद होते हैं। तो आप उन्हें अच्छी तरह से सुखा के, उसमें मॉइस्चर ना रहे, वो गीला ना रहे फ्रेंड्स, और फिर आप उसे इसकी मिट्टी में गाड़ दें या फिर आप उसका पाउडर बना के एक बड़े चम्मच से बड़े गमले में डाल के इसकी गुड़ाई कर दें, मिट्टी में मिला दें, और छोटे गमले में छोटा चम्मच से 1 चम्मच डाल के पाउडर को फ्रेंड्स, संतरे और नींबू के छिलके को पीस के जो पाउडर बना है वो 1 चम्मच इसकी मिट्टी में डाल के इसकी गुड़ाई कर दें, गुड़ाई करके मिट्टी में डाल दें और वाटरिंग कर दें फ्रेंड्स, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके अलावा
आप फ्रेंड्स घर में चाय पत्ती यूज़ करते हो, वेस्ट हम लोग फेंक देते हैं बची हुई चाय पत्ती, तो ना फेंकें, उसे अच्छे से धो के सुखा के और फिर उसे एक चम्मच, एक महीने में एक बार बड़े चम्मच से एक चम्मच महीने में एक बार फ्लावरिंग सीजन में आप डाल सकते हैं, तो अच्छी फ्लावरिंग होगी, इससे इसकी मिट्टी एसिडिक होती है। इसके अलावा आप घर में सिरका मिल जाता है फ्रेंड्स, वेनेगर भी कहते हैं, जिसे 1 लीटर पानी में आप एक चम्मच डाल के इस पर स्प्रे कर दें पत्तों पर या इसकी मिट्टी में डाल दें फ्रेंड्स, दोनों तरह से आप यूज़ कर सकते हो, तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, मिट्टी को एसिडिक बनाता है और बहुत फ्लावरिंग करेगा। इसके अलावा आप फिटकरी डाल सकते हो फ्रेंड्स, एक टुकड़ा एक गाड़ देना आप इसकी मिट्टी में, तो फूल के कलर अच्छे आते हैं और बड़े साइज़ के फूल आते हैं। इसकी प्रोपोगेशन स्टेम से होती है फ्रेंड्स, ब्रांचेस से होती है, सीड्स भी बनते हैं उससे भी इसकी प्रोपोगेशन होती है, आप मल्टीपल प्लांट्स बना सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है फ्रेंड्स। मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें बता दी है इसके बारे में। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय फ्रेंड्स।